नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, बीजेपी के एलजी ने सारे नियमों को ताक पर रखकर इको सेंसिटिव जोन में हजारों पेड़ों का कटान का आदेश दिया है। बीजेपी ने दुष्प्रचार करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर पेड़ काटे गए। अगर उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज है तो उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलना बंद करना चाहिए, उन्हें लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। आज वहीं पर भाजपा के एलजी पूरे नॉर्म्स रूल्स लॉ के वायलेशन में एक इको सेंसिटिव जोन में हजारों की संख्या में पेड़ काटने का निर्देश दे देते हैं, और ये भाजपा की इन्वायरमेंट के प्रति खराब नीतियों का नतीजा है कि आज हम इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 में से 180वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भाजपा ने कुछ दस्तावेज दिखाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की कि ये पेड़ अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर काटे गए। अगर ऐसा कोई भी दस्तावेज है तो उनको सुप्रीम कोर्ट के आगे रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उनको लगातार फटकार रही है, एक के बाद एक उनको हर बार हर हियरिंग पे डांट पड़ रही है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट इनिशिएट हो गया है, तो ये डॉक्यूमेंट फिर क्यों नहीं रखा अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलना बंद करना चाहिए भाजपा को, लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए भाजपा को, अपनी गलती स्वीकारें। और इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।